11 स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना पार्ट 6 जिसका नाम है भाग, उसको शुरू करेंगे हम। तो पहला मैं आपको इनकी कुछ शब्द हैं उनकी परिभाषा बताना चाहूँगी। तो जैसे पहला जो शब्द है भाजक, उसको हम क्या, भाजक का मतलब क्या होता है, भाजक क्या होती है। तो भाजक वह संख्या होती है जिससे हम किसी संख्या का भाग देते हैं। जैसे अगर हम इस तरीके से संख्या होती है आपकी, तो ये जो संख्या होती है वो क्या होती है, भाजक होती है ना, जिसमें हम जिससे किसी संख्या को भाग दिया जाता है। भाजक वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या का भाग दिया जाता है, ठीक है। दूसरा शब्द जो है भाज्य, भाज्य का मतलब होता है बस, भाज्य वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या, मतलब जो जिस संख्या से, वह संख्या होती है जिससे किसी संख्या से भाग दिया जाता है। जो दूसरी बड़ी जो संख्या होती है ना, वो भाज्य होती है ना। अभी बताऊँगी आपको भागफल, भागफल का मतलब क्या होता है। जब आप करते हो अपना पूरा जो उत्तर निकालते हो भाग का, तो जो उसका उत्तर आता है वो भागफल होता है। शेषफल जो बाकी, अगर पूरा भाग करने के बाद भी कोई संख्या आखिरी में रहती है तो वो शेषफल होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार भाग। हाँ, पहले कुछ छोटे प्रश्नों से शुरू करते हैं। कभी भी किसी भी संख्या का, जैसे ना कोई भी संख्या है ना, जैसे है 0 है, उसका भाग हमें 3,445, या कोई भी संख्या से अगर हमें किसी 0 का भाग किसी संख्या से देना है, तो हम उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और इसके अलावा किसी संख्या का उसी संख्या से भाग देने का, किसी संख्या, जैसे अगर यहाँ पे है कोई संख्या है 649, किसी संख्या का उसी संख्या से, उसी संख्या मतलब जिस संख्या को पहले हम लिख रहे हैं, उसी संख्या से भाग देने पर हमेशा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। एक और मैं बता देती हूँ इसी के तरीके से, समान संख्या या किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमेशा उत्तर क्या आता है, 1, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे है 356, किसी संख्या का 1 से भाग देने पर क्या आएगा, वही उसका उत्तर आता है। जिस संख्या से उसका भाग दे रहे हैं वही उसका उत्तर आता है। 0 से भाग देने पर 0 ही आता है। समान संख्या का समान संख्या से, यानी किसी संख्या का उसी संख्या से भाग देने पर हमेशा उत्तर 1 आता है। और किसी संख्या का भाग अगर एक, मतलब किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाता है, तो जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वही उसका उत्तर आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जैसे है यहाँ पे इसका क्या उत्तर होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, 9 का पहाड़ा बोलोगे, पीछे वाली संख्या का पहाड़ा बोला, 9 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
सत्रह तेरह का पहाड़ा बोलेंगे, तेरह का पहाड़ा, तेरह के पहाड़े में 117 कितनी बार आता है? आपको नहीं आता है पहाड़ा तो आप क्या करोगे, तेरह को गुणा करके देखोगे कि कब आपका जैसे आपने मन से मन करके देखा 9 से, तो 9 से गुणा करने पर आपको 117 आपका उत्तर आया, तो उसका उत्तर होगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो संख्या होती है इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, ये जो होता है वो होता है भाजक, ये क्या होता है भाजक, और इसको हम क्या कहते हैं जो हमारा उत्तर आता है ना उसको हम बोलते हैं भाग, जो उत्तर आता है उसको बोलते हैं भाग फल। समझ में आ गया, ये जो संख्या होती है पहली जो प्रथम जो संख्या होती है वो क्या होती है भाज्य, दूसरी वाली जो संख्या होती है वो भाजक होती है जिससे भाग दिया जाता है, और जो उत्तर आता है वो होता है भाग फल। कोई भी मैं हमें प्रश्न कर लेते हैं हम, जैसे हैं यहाँ पे 1180, उसका भाग देना है हमें 7 का, ठीक है। 7 का पहाड़ा देखेंगे, 7 × 7 = 14, 14 तो बड़ा हो गया है ना, बड़ी संख्या हो गई, तो 7 × 7 माइनस करेंगे, 11 में से 7 घटाया 4, संख्या उतारी 8, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 49, 48 तो आया नहीं 49 आ गया, बट लेकिन 49 से बड़ा हो गया तो 7 × 7 = 42 लिखेंगे हम, छोटी संख्या का इसको यूज़ करेंगे, 6 संख्या में लिखेंगे 0, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, तो बड़ा हो गया 7 × 8 = 56, ठीक है, घटाया, अब कोई संख्या आगे
उतारने के लिए नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, ये भागफल हो गया, ये क्या हो गया शेष, ये क्या आया शेषफल, शेषफल कितना आया 4। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को एक बार मैं और बता देती हूँ। 9 से भाग करते हैं, सबसे पहले दो संख्याओं के हिसाब से करेंगे, क्योंकि 9 एक तो 9 नहीं कर सकते ना, भाग कैसे माइनस कैसे करोगे आप, नहीं कर सकते। तो 22 देखते हैं, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 27 तो बड़ा हो गया, तो 9 दूना 18, तो 18 को घटा के देखेंगे तो 12 में से 8 घटाया यहाँ पे आ जाएगा 4, 0, संख्या नीचे उतारी 1, 9 का पारा वापस बोलेंगे, 9 9 चौक 36, 9 5 45, 45 तो बड़ा हो गया, 9 चौक 36 घटाएंगे 9 6 54। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया भागफल, ये आया शेषफल 0। ठीक है, अब इस तरीके से भाग को करते हैं, संख्या को पारा बोलते हैं, माइनस करते हैं, फिर संख्या उतारते हैं, फिर पारा बोलते हैं, इस तरीके से ना, लास्ट में जब कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं होती तो बस उत्तर हो जाता है। इसके अलावा जो आपके शब्दात्मक प्रश्न है, कब आपको एक साथ अगर प्रश्न आएंगे तो कब आपको शब्दात्मक किन प्रश्नों में आपको भाग करना है, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें भी आपको क्या है किसी भी एक का उत्तर निकालना होता है, कभी भी आपको क्या है किसी एक चीज़ का उत्तर निकालना है, एक का उत्तर निकालना होता है, तो आपको क्या करना है ऐसे प्रश्नों में भाग करना है, प्रश्नों में क्या करना होता है भाग करना होता है। जैसे है 396 रुपयों को 6 छात्रों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक छात्र को कितने रुपए मिलेंगे, तो यहाँ पे बताना है कि प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक का मतलब एक छात्र को कितने रुपए मिलेंगे, तो एक का उत्तर निकालना है तो दो हमेशा क्या करना है आपको भाग करना है। ठीक है, और 18 टोकरियों में 990 सेब है, बताइए एक टोकरी में कितने सेब होंगे, तो आपको तब भी क्या करना है एक टोकरी में बताना है ना, तो एक का उत्तर आपको जब भी निकालना है आपको क्या करना होता है भाग करना होता है। तो ये आपके हो गए शब्दात्मक प्रश्न। तो सब बच्चों को अपने जो भी आपके जो पाठ आ रहे हैं, कौन कौन से पाठ आ रहे हैं आपके 3, 4, 5 और 6, ये 4 पाठ आ रहे हैं, इनकी अपनी रफ कॉपी में आपको प्रैक्टिस करना है, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।